आज़ादी के 75 साल पूरे होने के बाद देश में अमृत महोत्सव कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जगह जगह भव्य कार्यक्रम किए जा रहे हैं, हमारे स्वतंत्र सेनानी के बारे में बताया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि आज उत्तर प्रदेश के बहराइच शहर के जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र और पुलिस अध्यक्ष केशव कुमार चौधरी द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम की दृष्टिगत गुरु कृपा डिवाइन्स ग्रीस पब्लिक स्कूल बहराइच में स्वतंत्र संग्राम सेनानी के बारे में और हर घर तिरंगा के बारे में लोगों को जानकारी दी और बैठे छात्रों को भी बताया कि हमारे देश में किस तरह से आज़ादी मिली, किस तरह से शहीदों ने अपनी जान निछावर करी, तब जाकर आज हम लोग आज़ाद हैं और देश की आज़ादी का 75वां साल मना रहे हैं अमृत महोत्सव के तौर पर। वहीं जहाँ देश में हर घर तिरंगा का लक्ष्य रखा गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये सपना है कि हर घर पर भारत का झंडा फहरे, हर घर पर तिरंगा लहराए, जिससे पूरा हिंदुस्तान भारतमय हो जाए, कहीं भेदभाव ना हो। आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख सकते हैं कि तिरंगा यात्रा भी निकाला गया। वहीं बहराइच पुलिस कप्तान क्या कुछ कर रहे हैं, ये सुनते हैं। उपस्थित यहाँ सभी अभिभावकगण, पत्रकार बंधु, सभी हमारे अधिकारीगण और जो पिछले 200 वर्षों का उनका शासन था वह अन्याय का, शोषण का प्रतीक था और उस शासन व्यवस्था से मुक्त होने की जो कवायद थी उसी का परिणाम था 15 अगस्त 1947 को भारत की आज़ादी। और उस आज़ादी के उपलक्ष्य में यह 15 अगस्त का त्यौहार मनाया जाता है और पिछले वर्ष हम लोग आज़ादी के 75वें वर्ष में प्रवेश किए थे कि 75 वर्ष आज़ादी के पूरे हो गए और उस की खुशी में हम लोगों ने इस महोत्सव को अमृत महोत्सव का नाम दिया और विभिन्न कार्यक्रम को जो आयोजित किया। अमृत महोत्सव का अगर हम शाब्दिक कर गया है और 50 फुट ऊंचा झंडा का फहराया भी गया, क्या कहना चाहेंगे इसको? देखिए, केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार के आह्वान पर भारत के प्रत्येक घरों पर 13 से 15 अगस्त के अंतर्गत राष्ट्रीय तिरंगे का ध्वजारोहण होना है। जनपद बहराइच में भी हम लोगों को जो लक्ष्य मिला है उससे हम लोग 200% अधिक घरों में एक एक, हम चाहेंगे कि प्रत्येक घर में जितने बच्चे हैं, परिवार के लोग हैं, वो तो अपने हर अपने घरों पर तिरंगा फहराकर राष्ट्रीय, ताकि जो प्रतीक है हमारा, हमारी अस्मिता का प्रतीक है तिरंगा, उसके प्रति अपना सम्मान प्रदर्शित करें। साथ ही साथ यह राष्ट्रीय पर्व है, 15 अगस्त राष्ट्रीय पर्व है, इसमें हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपने त्याग, बलिदान, शौर्य, पराक्रम से शहीद होकर स्वतंत्रता दिलाई है, उनको स्मरण करने का, उनके प्रति सम्मान प्रकट करने का भी ये राष्ट्रीय पर्व है। इसी क्रम में आज यहाँ पर तिरंगे का वितरण किया गया है, जिससे कि बच्चे अपने घरों पर राष्ट्रीय तिरंगे का ध्वजारोहण।